मैंने ये न्यू फाइल का बटन प्रेस किया सबसे पहले, न्यू फाइल का बटन प्रेस करके मैंने कहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सही है, एंटर। अच्छा अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि इस फाइल का जो नाम है वो एग्जैक्टली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही होना चाहिए, सही है, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल में भी नहीं लिख सकते आप, इसमें से कोई कैपिटल नहीं होना चाहिए, लेटर सारे स्मॉल में, और इंडेक्स की स्पेलिंग भी एग्जैक्टली यही होनी चाहिए, फिर डॉट एच टी एम एल की स्पेलिंग भी एग्जैक्टली यही होनी चाहिए। इसमें से कोई भी चीज़ आपने अगर चेंज की तो इसका जो रिज़ल्ट है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हो सकता है ना है, सही है। अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही इसका नाम रखना क्यों ज़रूरी है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हेलो वर्ल्ड ज़रा कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा अब यहाँ पे जैसे ही फाइल बनाएंगे तो सामने एडिटर भी खुल जाएगा, ठीक है, ये हम हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं एच टी एम एल का आज पहला। कितने आप में से लोग हैं जिनका ये पहली दफ़ा होगा कि वो एक वेबसाइट बनाने जा रहे होंगे, हाथ खड़ा कीजिएगा, वेल डन। तो आर यू एक्साइटेड कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना लेंगे आज के बाद, आर यू एक्साइटेड? चले तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे एक्सक्लेमिनेशन मार्क एक, ये एक्सक्लेमिनेशन मार्क जो है ना आपके कीबोर्ड में जो वन का बटन है उसके ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आ जाएगा ये। तो आप देखें जैसे ही मैंने एक्सक्लेमिनेशन मार्क दबाया ना नीचे एक सजेशन आ रही है और मैं यहाँ पे टैब दबा दूंगा, ठीक है, तो ये कुछ कोड लिखा हुआ आ गया मेरे पास पहले से, ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ इसको, मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ, एक्सक्लेमिनेशन मार्क और टैब, या एंटर भी दबा सकता था मैं, टैब या एंटर जो भी। अच्छा तो ये कुछ कोड पहले से लिखा हुआ आ गया, ये एच टी एम एल का एक बेसिक कोड है, अब ये कोड करता क्या है वो अभी हम अभी नहीं समझते, अभी हम जस्ट एक हेलो वर्ल्ड बनाते हैं इसको। हमने क्या करना है, ये ऊपर की जो सारी चीज़ है ना, ये टाइटल क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट क्यों लिखा हुआ है, ये हेड क्या होता है, ये बॉडी, ये सब अभी हम अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा अभी हमने क्या करना है, जस्ट बॉडी में आना है, बॉडी में आके हमने अपना पहला मार्कअप इसमें लगा देना है। अच्छा मार्कअप को फॉर्मली इसको कहते हैं एलिमेंट, एच टी एम एल के अंदर ना बुक्स वगैरह में आपको मार्कअप लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं, वो उसमें एलिमेंट लिखा हुआ मिलेगा। तो हम पहला एलिमेंट लगाते हैं एच वन, एंटर। अच्छा मैंने कहा कि भाई दिस इज हेडिंग, दैट्स ऑल। अच्छा अगला मार्कअप हमने क्या सीखा था, पैराग्राफ एक सीखा था हमने, एक पैराग्राफ लगा लेते हैं, बुक से ही कॉपी कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, सेम वही चीज़ बना रहे हैं हम जो हमने थोड़ी देर पहले भी इंट्रो में बना लिया था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से, दिस इज़ अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के क्या कहते हैं इंडस्ट्री में कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जब पहला प्रोग्राम बिल्कुल बनाते हैं तो उसको वो कहते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी बन गई, एक रिवाज बन गया, तो इसलिए हेलो वर्ल्ड कहते हैं। अच्छा और हमने क्या सीखा था मार्कअप, अच्छा हमने बोल्ड सीखा था, तो मैंने कहा कि भाई दिस इज अ टेक्स्ट और इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बोल्ड और बोल्ड के बीच में इसको पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा इटैलिक भी कर लेते हैं। अच्छा अगर मुझे इसी को इटैलिक करना हो, बोल्ड भी करना है इटैलिक भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसमें इटैलिक भी लगा दूँगा, यहाँ पर इटैलिक लगाया इधर और इधर जो है वो इटैलिक को बंद कर दिया, ठीक है। तो एक टेक्स्ट को मैंने बोल्ड का भी मार्कअप में रैप कर दिया और इटैलिक में भी रैप कर दिया, दोनों हो जाएगा ये। अच्छा इसको आप चलाएंगे कैसे, हम इसको चलाने का जो अप्रोप्रिएट तरीका है वो क्या है कि यहाँ से राइट क्लिक करूँगा मैं, किस जगह पे किया मैंने राइट क्लिक, जहाँ पे ये टैब में फाइल का जो नाम लिखा हुआ है, राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ, ये ऑप्शन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी तरह से आएगा, वीएस कोड सब में एक जैसा है, कॉपी पाथ का बटन क्लिक किया और अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र में, ब्राउज़र में जाके मैं एक नया टैब ओपन करूँगा, नए टैब में यहाँ जाके इसको पेस्ट करूँगा जो वहाँ से कॉपी हुआ है और एंटर कर दूँगा, तो वो वाली पूरी की पूरी चीज़ जो है ना यहाँ पे मुझे बन के नज़र आ जाएगी। वैसे मैं जाके फाइल एक्सप्लोरर में भी डबल क्लिक करके भी खोल सकता था, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्या कहते हैं, वो भी सही है, लेकिन अगर आपसे ये समझ में ना आए तो आप जाके ना एक्सप्लोरर में डबल क्लिक करके खोल लें फाइल को, दैट इज़ फाइन, बट ये वाला ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। अच्छा तो ये आपका ना हेलो वर्ल्ड यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अच्छा आप सब लोगों ने ये हेलो वर्ल्ड इसी तरह से बनाना है, बनाने के बाद क्या करना है, इसको github.com पे पुश कर देना है। हमेशा मैंने पहले भी जिक्र किया था, दोबारा जिक्र कर रहा हूँ कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट, यानी जैसे ये हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे जब अभी क्लास के बाद, तो आप github.com पे सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनाएंगे किसी भी नाम से, हेलो वर्ल्ड html या फर्स्ट वेबसाइट html, किसी भी नाम से एक रिपोजिटरी बनाएंगे, उसको आप क्लोन करेंगे अपने पास, क्लोन होकर आपकी मशीन में आ गया, उसमें ये सारा काम कर रहे होंगे आप, और उसमें ये सारा काम करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे आप, ठीक है,
अच्छा VS कोड में देखें, अब ये एक और भी इसमें बेनिफिट है कि इसमें आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक टिक दबाते हैं ना, तो ये टर्मिनल खुल जाता है, या तो फोल्डर में खोलने जाके या तो यहाँ पे खोल लें, एक ही बात है ठीक है। यहाँ पे भी वही टर्मिनल खुलता है, यहाँ पे आप लिखेंगे गेट एड स्टेरिक, है ना, ये कमांड हम पहले कर चुके हैं, ये वाली कमांड। उसके बाद गेट कमिट माइनस एम माई फर्स्ट वेबसाइट, एंटर, ये कमिट हो गया। अब पुश गेट पुश एंटर, पुश हो गया, है ना। तो इस तरह से आपने एक रिपोजिटरी बनानी है हेलो वर्ल्ड के नाम से, उसमें ये कोडिंग लिखनी है, कोडिंग लिख के वापस उसको पुश कर देना। अच्छा, विंडोज़ में भी सेम इसी तरह है ना। ये टर्मिनल जो मैंने खोला है ना, इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस बैक टिक। अब बैक टिक आपके जो कीबोर्ड में ना कहाँ पे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो बैक टिक जो है ना आपके कंप्यूटर में, ये खड़ा हुआ है, ये जो अलिफ मद्दा वाला की है ना, ये अगर इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये आता है अलिफ मद्दा हाइफन, और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे ना तो बैक टिक आता है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल को पकड़ना है और कंट्रोल के साथ ये बैक टिक प्रेस करेंगे ना आप, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, कंट्रोल बैक टिक। अच्छा, फिर कंट्रोल बैक टिक से ये वापस बंद भी हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, क्लोज तो नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। तो कंट्रोल बैक टिक से इसको ओपन क्लोज आप कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप ऊपर जाके यहाँ पे भी टर्मिनल से भी न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ज़्यादा बेहतर है जी। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये मुझे पता नहीं है, वेल शॉर्टकट मे भी चेंज हो, लेकिन तीनों प्लेटफॉर्म पे शॉर्टकट इसका सेम होता है वैसे। तो अगर आपके पास ये ना खुले तो आप ना यहाँ ऊपर से जाके ना ये टर्मिनल जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल करेंगे तो उससे भी, क्लिक किया ना मैंने तो देखे नीचे खुल गया, तो इससे भी खुल जाता है ये। वेल तो ये मैंने क्या कर दिया, ये तमाम का तमाम कोड मैंने github.com पे पुश कर दिया, तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, मगर अगर आप गौर से सोचें ना तो इस पॉइंट पे हमारी HTML भी कंप्लीट हो गई। अभी तो 8 चैप्टर बाकी हैं HTML के पढ़ने के, लेकिन अगर आप गौर से सोचें तो HTML हमारी कंप्लीट हो गई है। क्यों कंप्लीट हो गई? क्योंकि हमने ये समझ लिया कि यार कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और HTML का जो मार्कअप लैंग्वेज है उसका कोर जो था ना वो सब हमने समझ लिया। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि 3-4 मार्कअप भी सीख लिए लगे हाथों, इसका मतलब ये है कि ऐसे और मार्कअप होंगे, है ना, और 3-4-5-10-50-40-50 मार्कअप हो सकता है और हों। तो अगर वो सारे मार्कअप सीख गए तो इसका मतलब है कि पूरी HTML आ गई, है ना, यही होगा। अब इसमें और मार्कअप होंगे, 3-4-5-10-15-20 मार्कअप होंगे। और तो अगर मैं आपको एक लिस्ट खोल के दिखाऊं कि जितने भी HTML में पॉसिबल मार्कअप हैं, अगर वो मैं लिस्ट आपको खोल के दिखाऊं, अच्छा खोलते हैं वो लिस्ट, ऑल HTML एलिमेंट लिस्ट, ठीक है, एलिमेंट कहते हैं क्योंकि, तो एलिमेंट लिख दिया मैंने। अच्छा, तो ये आ गया ऑल एलिमेंट की लिस्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका मैं ये लिंक जो है ना इसका, ये कॉपी करके भी मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। कट किया मैंने यहाँ से लिंक, और यहाँ पे ना ये इसी कोडिंग के दरमियान मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया, सही है, ये आपसे शेयर कर लिया। तो ये कोड में क्योंकि पुश करूँगा गिटहब की रिपॉजिटरी में। अच्छा, बाय द वे, ये जिस रिपॉजिटरी में मैं पुश करता हूँ उसका एक्सेस है ना सब लोगों को पता है, मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। बल्कि आप जाएंगे मेरी, सॉरी यहाँ पे भी नहीं, आप जाएंगे गूगल पे, आप लिखेंगे इंजमाम मलिक गिटहब, एंटर, तो ये पहले नंबर पे ही आ जाएगा, इंजमाम मलिक गिटहब, ठीक है। इस पे एंटर करेंगे आप तो ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल पे आप पहुँच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिपॉजिटरीज़ में जाएंगे, जो पड़ोस में एक टैब यहाँ पे ये बना हुआ है रिपॉजिटरीज़ में, इसमें ये एक रिपॉजिटरी आ रही है ASF सेक्शन B, एक आ रहा है ASF सेक्शन A, ये B वाला जो है ना ये आपका है। अच्छा, तो जो भी मैं इस क्लास में कोड लिखूंगा सेक्शन B में, वो मैं इसमें पुश करूंगा। तो ये अच्छा सम टाइम ना, ये क्योंकि अभी मैंने इसमें चेंजेस किए ना, है ना, अपडेटेड 3 मिनट्स अगो, तो इसलिए ये ऊपर आ रहा है, लेकिन सम टाइम ये नीचे चला जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ फाइंड में जाके आप ASF लिख के एंटर कर देंगे तो ये दो ही रिपॉजिटरी है, ऐसे करके। तो आपने सेक्शन बी में जाके देखना है, जो मैं अभी मैंने जिक्र किया ना कि ये मैंने आपसे लिंक शेयर कर दिया, तो आप ये लिंक मिलेगा कहाँ आपको, तो ये वहाँ मिलेगा, सही है। अच्छा, अभी जो मैंने कोड पुश किया, देख लेते हैं कि वो इसमें मौजूद है या नहीं है। तो मैं बी में गया और जाके मैंने यहाँ देखा,
तो हाँ जी, ये इंडेक्स की फाइल यहाँ पे मौजूद है जो अभी अभी मैंने भेजी है ना, ये देखें। अच्छा, लिंक मैंने क्योंकि अभी लगाया तो वो लिंक यहाँ नज़र नहीं आ रहा, वो मैं पुश करूँगा दोबारा तो वो पहुँचेगा यहाँ, अभी नहीं नज़र आ रहा। अच्छा तो वेल, वापस आ जाते हैं हम। ये तमाम एच टी एम एल के जो मार्कअप्स हैं ना, वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ना ये लिखे हुए हैं। अच्छा तो हमें हेडिंग लगानी है अगर, तो मैंने कहा कंट्रोल एफ हेडिंग। तो आप ये देखें, एच वन टू एच सिक्स, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये डिफाइन करता है हेडिंग, इट डिफाइंस अ हेडिंग। अच्छा अब मुझे अगर ये करना है, इसको देखना है डिटेल में, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन न्यू टैब करूँगा। ये सिंपल क्लिक भी कर सकता था, मैं असल में चाहता हूँ ये हिले ना, इसलिए मैंने उसको अलग टैब में खोला है, अलग टैब में ये ओपन हो गया ये, ठीक है। तो अंदर जो है ना उसका कोड एग्जाम्पल भी लिख के दिया हुआ है उन्होंने। अब देखें आप, ये द सिक्स डिफरेंट एच टी एम एल हेडिंग्स, तो एच वन भी है, एच टू भी है, एच थ्री से लेके एच सिक्स तक है ये, तो ये छः अलग अलग साइज़ की हेडिंग है। इसका इन्होंने आउटपुट भी यहाँ दिखाया हुआ होगा, नहीं दिखाया हुआ। अच्छा तो ये ट्राई इट योर सेल्फ का बटन है, इसको दबाते हैं, ठीक है। डब्ल्यू थ्री स्कूल एक वेबसाइट है, लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं प्ले। तो हाँ ये देखें, यहाँ पे कोड है और यहाँ पे इसने सामने रिजल्ट भी दिखा दिया, तो छः अलग अलग साइज़ की हेडिंग है, इस तरह से ये कोड लिखा जाता है। अब इसमें मैंने अगर कोई चेंजेस कर दी, मैंने कोई चेंजेस कर दी ना इसमें अगर, तो मैं ये रन का बटन दबाऊंगा तो वो सामने रिजल्ट फ़ौरन आ जाएगा, है ना, आसान है। अच्छा तो हमने क्या किया, वो एक मार्कअप देखा इस लिस्ट में से और उसको चलाने का तरीका भी देख लिया। अब और कौन सा मार्कअप है, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर कहूँ कि हेलो वर्ल्ड तो चलो बनाना ही है आपने, 6 बज गए पूरे, हेलो वर्ल्ड तो आपने बनाना है, लेकिन वो बनाने के बाद ना एक और टास्क है आपके लिए कि आपने इस एच टी एम एल के मार्कअप की लिस्ट में से क्या कहते हैं मार्कअप, जो जो मार्कअप एक सी वी बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, सी वी तो आप सब लोगों ने बनाई होगी कभी ना कभी, नहीं बनाई है तो जो छोटे हैं वो बनाएंगे अभी बहुत जल्द। तो आपने क्या करना है, एक वेबसाइट एच टी एम एल के अंदर ना सी वी बना के आप ले आए नेक्स्ट क्लास में। अच्छा तो कौन सा मार्कअप चाहिए होगा, एक तो हेडिंग छः साइज़ की हेडिंग आ गई हमारे पास। अच्छा और क्या चाहिए होगा, अंडरलाइन बोल्ड ये सब हम देख चुके हैं, इटैलिक देख लिया हमने, हाँ पिक्चर चाहिए होगा उसके लिए, आई एम जी करके है इसमें, ये रहा डिफाइंस एन इमेज आई एम जी। अच्छा राइट क्लिक करके मैंने ओपन इन न्यू टैब किया, इंटरनेट हमारा थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा ये आई एम जी के लिए ना ये इस तरह आई एम जी लगता है, और एस आर सी करके ऐसे इमेज देना होता है, ट्राई इट योर सेल्फ करेंगे तो ये देखें पूरा लगा के बता दिया इसमें, और ये फोटो यहाँ पे नज़र भी आ गई, सही है। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे भी लिखी हुई है कि डिफाइंस डेफिनेशन एंड यूजेज, द आई एम जी टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एच टी एम एल पेज, ये पूरी इसने बात लिखी हुई है यहाँ पे कि ये एस आर सी और ए एल टी ये सब क्या है ये सब कुछ। तो ये आप इतनी बात पढ़ देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मार्कअप कैसे काम करता है। अच्छा इमेज हो गई, और क्या चीज़ चाहिए होती है हमें, टेबल चाहिए होगी मोस्ट प्रॉब्ली, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एफ किया, मैंने कहा टेबल, ठीक है। अच्छा आपको ना बाय द वे ये पूरे को स्क्रॉल करना होगा ऊपर से लेके नीचे तक, गेट टू नो मतलब कौन कौन से मार्कअप अवेलेबल हैं, वो काम क्या करते हैं। तो फिर आपको क्या होगा कि कुछ भी बनाना होगा ना, आप कहेंगे अच्छा ये फला मार्कअप से बनेगा। तो मैं टेबल पे आ गया, अब टेबल को मैंने राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन किया, ये खुल गया। तो टेबल का जो मार्कअप है वो इस तरह है, टेबल है उसके अंदर टी आर है, टेबल रो, एक रो जो होगी ना वो एक टी आर है, ये एक दूसरी रो है, तो दो रो बनी हुई आ रही होगी इस टेबल में। अच्छा और ये टी एच जो है ये टेबल हेडिंग है, और टी डी जो है ये टेबल डेटा है, तो ये सेल एक सेल हेडिंग वाला सेल इस तरह होगा, जो नॉर्मल सेल है वो इस तरह होगा। अब तो ट्राई इट योर सेल्फ का बटन दबा देते हैं, तो आप ये देखें कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ आ गया, और इस कोड में आप देखें एक रो है, दो रो है, और ये तीन रो है ना, और जो पहले रो के अंदर लिखा हुआ है मंथ और सेविंग, तो आप देखें ये पहले रो में और दूसरे रो में और तीसरे रो में, तीन रो इसके अंदर भी आ गई। मुझे एक चौथी रो ऐड करनी है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टी आर को पूरे को पकड़ूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने कहा कि भाई डेटा वन डेटा टू, तो ये चौथी रो ऐड हो गई जिसके अंदर डेटा वन और डेटा टू लिखा हुआ होगा, रन का बटन दबाया मैंने तो ये देखें चौथी रो सामने ऐड हो गया गई। तो टेबल हम सीख गए, और क्या चाहिए होगा, लिस्ट बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट चाहिए होगी ना हमें। अच्छा बुलेट पॉइंट लिस्ट मैंने लिखा,
है ना। तो ये देखें आ गया यू एल डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें ऑर्डर नहीं होता, कोई बुलेट पॉइंट्स होते हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट में 1, 2, 3 लिखा हुआ होता है। तो एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो मैंने यू एल के ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन न्यू टैब किया, ज़रा देखते हैं कि यू एल कैसे काम करता है। ये इस तरह चलता है कि यू एल ओपन, यू एल क्लोज, और लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3। ट्राई इट योर सेल्फ का बटन दबाया, ये हमारा कोड है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो है ना ये उसका रिजल्ट सामने आ गया, हमारे लिस्ट बन के आ गई ड्रॉप डाउन। तो सीवी में इस्तेमाल होने वाले जितने मार्कअप थे वो सारे हमने एक्सप्लोर कर लिए। और भी एक दो चाहिए होगा तो लिस्ट आपके पास है, इस लिस्ट में से निकाल लेना फिर ढूंढ के, है ना। अच्छा, तो अब हमने आज की क्लास में एक तो इंट्रोडक्शन पूरा हमने लिया था, अभी ये हमने अब हेलो वर्ल्ड कर लिया, और हमने उन HTML में जितने भी पॉसिबल मार्कअप हैं जितने भी, उनकी एक लिस्ट भी हमने देख ली। अच्छा, तो अब आप में से जो चीता होगा, जो मेहनत करने के लिए तैयार है सख्त किस्म की, तो वो हेलो वर्ल्ड तो बनाएगा, साथ साथ एक CV भी बना के लाएगा। अच्छा, और उसको GitHub में पुश भी करना है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी असाइनमेंट जब तक आप GitHub में पुश नहीं करेंगे वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। GitHub में आपने लाजमी पुश करना है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपको GitHub से आदत हो जाए, है ना। वरना तो पहले दिन आप सोचें, जब पहले दिन हम GitHub कर रहे तो कितना बड़ा अजाब लग रहा था, अब वो थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन अब हम थोड़े दिन करेंगे ना जब इसको एक दो दफ़ा और, तो बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, वो स्टैटिक लिखा, पुश किया, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही पुश हो गया। तो ये बस मकसद सिर्फ ये है कि GitHub की आदत हो जाए आपको, तो और कोई मकसद नहीं है। तो आपने जितने भी असाइनमेंट्स अब बनाने हैं ऑनवर्ड्स, वो सारे github.com पे पुश करेंगे आप, तभी एक्सेप्टेबल होगा। तो एक हेलो वर्ल्ड आपका असाइनमेंट, दूसरा CV आपका असाइनमेंट। अच्छा, ये आप करके आएंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, एंड यू मस्ट बी एक्साइटेड फॉर दिस, कि इस वेबसाइट को हमने इंटरनेट पे लाइव कैसे करना है, कि ऐसा एक URL बना हुआ आ जाए, जैसे facebook.com ना, कोई URL शेयर करो, कोई क्लिक करता है खुल जाती है वेबसाइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब ये आप करके आएंगे, तो उस वेबसाइट को लाइव करना सीखेंगे हम इंटरनेट के ऊपर, कि कैसे लाइव होती है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है जी, चलो अल्लाह हाफिज़।